आईपीएल 2021 के छठे मैच में आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना सामना होगा। आपको बता दें, पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज आरसीबी की टीम अपने दूसरे मैच में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ इस सीजन का पहला मैच गंवाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी आज आरसीबी के खिलाफ जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के सामने टिक पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो आरसीबी की टीम में चार ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनके सामने टिक पाना सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, तो जानेंगे विस्तार से कि आखिर कौन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये चार दिग्गज बल्लेबाज जिनकी तूफानी बल्लेबाजी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने दूसरे मैच में हार का डर सता रहा है। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। आरसीबी के लिए अच्छी बात यह है कि देवदत्त पडिक्कल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। जानकारों की माने तो देवदत्त का बल्ला चल गया तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी की टीम 300 रन बनाकर इतिहास रच देगी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। आपको ये बता दें कि आरसीबी की टीम में एबी डिविलियर्स इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी तूफानी बल्लेबाजी से आईपीएल में लगभग सभी टीमों के गेंदबाज थर थर कांपते हैं। आज होने वाले मैच में एबी डिविलियर्स मात्र 20 से 25 गेंद पर अगर शतक जड़ दें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। आपको ये बता दें कि आईपीएल 2021 के पहले मैच में ग्लेन मैक्सवेल अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेर चुके हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। एबी डिविलियर्स के बाद आरसीबी की टीम में मैक्सवेल दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं जो मात्र 20 से 25 गेंद पर शतक बनाने की क्षमता रखते हैं। इस लिस्ट पे चौथे और आखिरी नंबर पर आते हैं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। आपको ये बता दें कि विराट कोहली आईपीएल 2021 में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आज विराट आक्रामक पारी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप हमारे आज के इस वीडियो को लेकर, या फिर आईपीएल में कौन होगा विजेता, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।